इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बेसिकली दो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक उसमें पहला इंग्रेडिएंट है आलू। आलू बच्चों का वेट गेन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल माना जाता है, उससे बच्चों का वेट गेन देखने को मिलता भी है। इसके लिए आपको एक आलू लेना है, उसको छील करके धो करके इसको छोटे पीसेस में काटना है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, मीडियम साइज़ का आपको उसको कट कर लेना है। अब इसको एक बोल में हम निकाल लेंगे। अब दूसरे बोल में हम लेंगे थोड़ा सा चावल जिसको हमने अच्छे से धो करके थोड़े पानी में इसको भिगा के छोड़ दिया है। इसके बाद हम गैस ऑन करेंगे, गैस पे हम चढ़ाएंगे कुकर। कुकर जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा घी, एक चम्मच घी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल करके इसको थोड़ा सा भुनने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कटे हुए आलू और जो चावल हमने भिगाया था उसका पानी निकाल करके वो चावल भी इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, मिलाना है कच्चे से चला करके, हल्का सा जब थोड़ा सा मिक्स हो जाने लग जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही साथ थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। इन सारी चीज़ों को डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको। इस तरीके से थोड़ी देर मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि अब इसको थोड़ा सा फ्राई तरीके से हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को डाल करके आपको इसको 2 से 3 विसल तक मीडियम आंच पर पकने देना है। 2 से 3 विसल आराम से इसको आने दीजिए। उसके बाद गैस बंद करके इसको खुद ही प्रेशर निकलने दीजिए, प्रेशर आपको नहीं निकालना है, जिससे कि आपका चावल और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। जब कुकर ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसको खोलेंगे। खोलने के बाद आप इसको देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हो चुका होता है, मिक्स नहीं हुआ है। तो आप कलछी से इसको अच्छे से चला चला, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो इस तरीके से नहीं अगर खा पा रहा है, कलछी जब आप चलाओगे तब आलू जो मैश होगा तो वो अच्छी कंसिस्टेंसी, थिक कंसिस्टेंसी दे देगा। तो आप मैशर की हेल्प से भी इसको मैश कर सकते हो। इतनी तब तक उसको अच्छे से मैश करिए जो बच्चे की कंसिस्टेंसी इस तरीके से ना हो जाए, बच्चा आराम से उसको खा सके। इसको अच्छे से मैश करिए, कुछ इस कंसिस्टेंसी का जब ये आ जाएगा तो आप आराम से इसको बोल में निकालिए। आप इसमें गर्मा गर्म घी डाल करके बच्चे को दीजिए, बच्चे को इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा एंड बहुत शौक से खाएगा। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो हर बच्चे को पसंद आती है एंड बच्चों का वेट गेन देखने को आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, बच्चे का वेट गेन ज़रूर होगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर ये रेसिपी बच्चों को दीजिए और हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपके बच्चे को रेसिपी कैसी लगी थी। और इसको आप हर 2 से 3 दिन में बच्चों को देंगे ना तो आपको बहुत जल्दी बच्चों का जन बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।